लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हनुमान, तुम अदृश्य कहाँ हो गए थे? भैया, अयोध्या से गए हुए मुझे अधिक समय थोड़े ना हुआ है। आज प्रातःकाल ही गया था और रात्रि होने से पहले लौट आया। हनुमान, मैं तुमसे यह पूछ रहा हूँ कि तुम गए कहाँ थे? क्या देवर्षि नारद तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए ले गए थे? हनुमान, देवर्षि? हाँ भैया, हाँ, तो देवर्षि एक महत्वपूर्ण समाचार देने के लिए आए थे, इसीलिए मैं उनके साथ चला गया था। कैसा महत्वपूर्ण समाचार हनुमान? अभी वो समाचार अधूरा है भैया, पूर्ण होने पर ही बताऊंगा। हाँ, इतना अवश्य बता सकता हूँ कि इसी बीच मेरी राक्षसों से टक्कर हो गई थी, उसके लिए मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाना पड़ा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य? तुम वहां भी पहुंच गए हनुमान? हाँ भैया, विभीषण जी को समाप्त करने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य नए नए राक्षस उत्पन्न कर रहा है, और यही मेरी चिंता का विषय है भैया। हनुमान, तब तो हमें विभीषण जी की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। भैया, जब तक हनुमान जीवित है तब तक विभीषण जी असुरक्षित हो ही नहीं सकते। आप चिंता ना कीजिए भैया, परंतु भैया, इस समस्या के निवारण के लिए मेरा महादेव के पास जाना अति आवश्यक है। मुझे आगे दीजिए भैया। जाओ हनुमान, और अपने कार्य में सफल हो। जय श्री राम। रुद्रावतार हनुमान का स्मरण हो रहा है। वे एक लंबे समय से कैलाश नहीं आए, कहीं किसी उलझन में तो नहीं होंगे? देवी, आप हनुमान की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? हमारा अंश और हमारा आशीर्वाद सदा उनके साथ है, और फिर हनुमान अतुल बलधारी हैं। उनसे टकराने वाला नष्ट हो सकता है, परंतु हनुमान का बाल बाका नहीं हो सकता। जय श्री राम। जय राम। देखा देवी, आपने हनुमान का स्मरण किया और हनुमान आपके सामने उपस्थित हो गए। हनुमान, देवी पार्वती तुम्हें देखने के लिए अत्यंत व्यग्र हो रही थी। हनुमान, तुम एक लंबे समय से कैलाश पर्वत क्यों नहीं आए? क्षमा कीजिएगा माता, प्रभु श्री राम की आज्ञा और अयोध्या वासियों के प्रेम से इतना बंधा हुआ हूँ कि कहीं आने जाने का अवकाश ही प्राप्त नहीं होता। हनुमान, श्री राम और अयोध्या वासियों में तुम इतने खोए हुए रहते हो कि जिनके तुम अंश हो उन महादेव से मिलने के लिए तुम्हें कोई चिंता नहीं? अपने खोएपन में ना ही तुम महादेव का स्मरण करते हो और ना ही अपनी माता पार्वती का। ऐसी बात नहीं है माता, मेरा तो कण कण आप दोनों का ऋणी है। मैं महादेव से शक्ति पाकर ही तो दुष्ट शक्तियों से जूझता हूँ और उन पर विजय प्राप्त करता हूँ। इस बार किस पर विजय प्राप्त करके आ रहे हो हनुमान? दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा उत्पन्न प्रचंडासुर पर। वो दुष्ट लंका पर आक्रमण करके लंकेश्वर विभीषण को समाप्त करने के स्वप्न देख रहा था। महादेव, क्या दुष्ट राक्षसों को पाताल से बुलाकर उन्हें पृथ्वी लोक पर आतंक मचाने का प्रयास दैत्य गुरु छोड़ेंगे नहीं? हनुमान, क्या तुम ये जानते हो कि प्रचंडासुर अभी तक जीवित है? महादेव, इतने ऊंचे पर्वत से खाई में गिरने के बाद भी प्रचंडासुर अब भी जीवित है? हाँ हनुमान, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी सिद्धियां उसके साथ हैं। महादेव, ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या आप इन दुष्ट शक्तियों को समाप्त नहीं करेंगे? हनुमान, हर युग में देवों और मानवों के विरुद्ध
ये दुष्ट शक्तियां सर उठाती रहेंगी। यही प्रकृति का नियम है। और तुम जैसे धर्म रक्षक का कार्य है कि इन दुष्ट शक्तियों का दमन करना। इसलिए कभी ना सोचना कि अशुभ शक्तियां तुम्हें शांत बैठने देंगी। हनुमान शांत बैठेंगे भी नहीं, इन्हें करने के लिए कुछ कार्य तो चाहिए ही। आप सत्य कह रही हैं माता। लंबे समय के पश्चात आप दोनों के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय उमा महेश्वर।